आपको, लेकिन आज आप मेरे बारे में जानोगे। दोस्तों स्वागत है आपका, मेरा नाम है ग्लेसन फर्नांडिस। मैं आज आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका प्रूफ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपके लिए पहले से सवाल लिख दिया है। आपको दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करो, और पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आज मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो उससे पहले मेरे प्यार बच्चों, हे जान तो लीजिए क्या कहती है थ्योरम। हे थ्योरम कहती है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर उसकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो साइड होगी उसको स्क्वायर करके वो स्क्वायर बराबर होगा बाकी के दो साइड के स्क्वायर को जोड़ के। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर बराबर होगा बाकी के दो साइड के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस ए सी साइड स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 होगा 16, 9 प्लस 16 कितना है 25। तो 25 इज बराबर 5 स्क्वायर 25। तो ये बराबर हो गया, यही है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपसे पूछते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो। मैंने आपको है तो बता दिया पाइथागोरस थ्योरम तो होता है, पर आपको ये नहीं बताया कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसको आपको लिखकर करना है। तो आइए दोस्तों हम अभी प्रश्न पर नजर मारते हैं। तो क्या कहती है थ्योरम, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपर जो उसकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो साइड होगी उसका स्क्वायर वो बराबर होगा बाकी के दो साइड के स्क्वायर को जोड़ के। तो बात हो रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो मैंने आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया है। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा तो कोई उसमें बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा ऐसा फिरा लेता हूँ, ऐसा फिरा लेता हूँ, कोई बदलाव आएगा उसमें? जो पहले से वो राइट एंगल ट्रायंगल है अभी भी वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो आपके लिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल तो लिया है। तो अभी क्या कहती है, अभी तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी राइट। तो अभी इसको हमको प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर बराबर होगा बाकी के दो साइड के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। दोस्तों अभी हमें सोल्यूशन में क्या लिखना है, अभी इधर देखो, हमको बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी करने से हमको दो ट्राइंगल मिला है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स मिला है। अभी हमको क्या करना है, इस ट्राइंगल से एक छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल से सिमिलर करना है। एक ट्राइंगल को निकाल कर बड़ा वाला ट्राइंगल से सिमिलर करना है। तो अभी हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल मैं लूंगा, ठीक से देखिए, मैं लूंगा ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी, आपको आप ए डी बी भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए डी बी एंड दूसरा वाला ट्राइंगल ए बी सी। मैंने कौन सा लिया, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी। अभी ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी एक ही है मैं, तो हमें अभी इसको सिमिलर फाइंड करने में कोई गड़बड़ होगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस बड़े वालों से एक ट्राइंगल बाहर निकालूंगा। तो मैं अभी ट्राइंगल ए बी डी को बाहर निकालूंगा, ट्राइंगल ए बी डी को बाहर निकालूंगा। और दूसरा कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल ए बी सी को मैं बाहर निकालूंगा। अभी एक ट्राइंगल ए बी सी थोड़ा टेढ़ा है, अभी मैं क्या करूंगा, इस ए बी सी को यू पलट के ऐसा किया तो कोई बदलाव आएगा दोस्तों, कोई भी बदलाव नहीं आएगा ना। तो इसे मैं इधर लिख देता हूं, तो इसको मैं यू पलट के इधर किया तो इसका ये किधर रहेगा, इसका ये इधर रहेगा
और ए बी, ए बी किधर, बी और सी इधर। तो दोस्तों इसका 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैंने आपके लिए पहले से इधर टाइम सेव करने के लिख कर रखा है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, मैंने डोल ट्राइंगल लिया है ए डी बी और ए बी सी। हाँ, और एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है इच। 90 डिग्री एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है। और इधर आप देखिए एंगल ए और एंगल बी कॉमन है दोनों में, एंगल ए और एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल ए और एंगल बी बाय ए सिमिलैरिटीज। और हमें उसको ए सिमिलैरिटीज में डाल दिया है, ए सिमिलैरिटीज इन ट्राइंगल ए डी बी और ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, दोनों एक ही जैसे है, दोनों सिमिलर है। ट्राइंगल चैप्टर में इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेशियो आर ऑल्सो सिमिलर। इसलिए अभी ए डी और ए बी, ए डी डिवाइड बाय ए बी इक्वल्स टू ए बी और ए सी, ए बी और ए बी सी। और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इंटू ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इंटू ए डी स्क्वायर क्या है, ये इक्वेशन वन है। अभी पार्ट एक पार्ट तो हो गया, इक्वेशन वन हो गया, अभी हमको इक्वेशन टू को फाइंड करना है। अभी हमको क्या करना है, अभी इसके मदद से इसको ठीक से देखो दोस्तों, अभी इसको हम यू पलट के, यू ऐसा पलट दिया तो यू ऐसा पलट के देखो, अभी देखो यू ऐसा पलट दिया हमको कोई चेंजेस होगा नहीं ना, ट्राइंगल वैसा ही रहेगा। तो क्या करेगा, तो ट्राइंगल देखो दोस्तों इस तरफ से तरीके से था, अभी क्या क्या एंगल सी इधर था, तो मैंने यू पलट दिया, यू पलट दिया सो सी इधर रहा और बी, जो बी मैंने तो यू पलट दिया ना, तो बी किधर आया, बी नीचे आया और ए इधर। तो दोस्तों अभी क्या और है इसका, अभी ट्राइंगल ए ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल डी बी डी सी सिमिलर है, और ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। अभी हमको सिमिलैरिटीज फाइंड करने में बहुत आसान होगा। अभी क्या करते हैं, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ईच एट 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अभी क्या है, एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी दोनों में कॉमन है बाय ए सिमिलैरिटीज, बाय कौन सा, बाय ए सिमिलैरिटीज। और ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अभी हमको मालूम है कि दो ट्राइंगल सिमिलैरिटीज होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द रेशियो आर ऑल्सो सिमिलर, इसलिए देयरफॉर डी सी, डी सी डिवाइड बाय बी सी, बी सी और डी सी, डी सी डिवाइड बाय बी सी जो मैंने पहले से लिया है इक्वल्स टू बी सी हाइपोटेनस, बी सी डिवाइड बाय ए सी, बी सी डिवाइड बाय ए सी। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, देखिए बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, क्या है इक्वेशन टू है। और हमको ट्राइंगल बी डी सी का इक्वेशन टू मिल गया और ट्राइंगल ए डी बी का इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करने का, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। तो इसमें ए सी ए सी ये दोनों ए सी, ए सी कॉमन है, ए सी ए सी कॉमन, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। Therefore, AB square plus BC square equals to AC into AD plus DC. AB equals to AC. AB square plus BC square equals to AC into AC. DD cancels. AC into AC. Hence, AB square plus BC square equals to AC square. AB square plus BC square equals to AC square. यही है पाइथागोरस थ्योरम. Hence, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो गया. ये इक्वेशन प्रूव करता है कि पाइथागोरस थ्योरम. देखिए. In a right angle triangle, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse equal to sum of square of other two sides. The square of hypotenuse equal to sum of square of other two sides. Hence proved.